फ्रेंड्स कैसे हो। तो जैसे कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा कि मास्क पहनने की ट्रिक, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था, आपके तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। तो आज फिर से एक नया वीडियो मैं डालने जा रहा हूँ, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आपने जैसे कि टाइटल में देखा कि अगर कोई एक ही व्यक्ति दो अलग अलग कंपनी के वैक्सीन और उसके डोज ले तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कोई सीवियर इफेक्ट होता है, कोई माइल्ड इफेक्ट होता है, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आप जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैक्सिमम सपोर्ट करते रहिए। तो कोई एक ही व्यक्ति अगर दो वैक्सीन का अलग अलग डोज लेगा तो उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके ऊपर पहला एक बहुत ही चौंकाने वाला किस्सा आया है। महाराष्ट्र के पारतूर तालुका का एक स्थानिक था और वो स्थानिक ने पहला डोज कोवैक्सीन का लिया था और दूसरा डोज कोविशील्ड का लिया था। फिर बाद में क्या हुआ कि सेकेंड डोज लेने के बाद उसको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। तो हकीकत में अस्पताल में दाखिल करने के वजह क्या, कोई सीवियर इफेक्ट था, कोई माइल्ड इफेक्ट था, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन हमें रिसर्च जो उसके ऊपर प्रकाशित हुई है वो देख के हमें पता चल सकता है। तो लैंसेट मेडिकल जर्नल का एक रिसर्च था, वो बहुत ही कंक्लूसिव रिसर्च, सिंपल रिसर्च था, तो उसके ऊपर एक वर्क हुआ है। तो उसमें वो साइंटिस्ट लोगों ने जो भी वॉलंटियर्स लिए थे, वो वॉलंटियर्स में वो लोगों ने देखा कि दो डोज अलग अलग वैक्सीन के दिए और सेकंड डोज के बाद वो लोगों ने देखा कि जो वॉलंटियर्स थे उसके अंदर बहुत ही कॉमन माइल्ड सिम्टम्स थे, थोड़े टाइम के लिए सिर दर्द बहुत था, थकान बहुत थी, वीकनेस रहती थी वॉलंटियर्स के अंदर। फिर ये केस के बाद अगर एक दूसरी रिसर्च की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ये रिसर्च किया, वो लोगों ने क्या किया कि जो वॉलंटियर्स थे पहला डोज एस्ट्राजेनेका का दिया, दूसरा डोज है वो फाइजर का दिया और दोनों डोज के बीच में 4 वीक का डिस्टेंस रखा। और फिर वो लोगों ने देखा तो कुछ उसमें भी वो लोगों को कुछ जानने को मिला कि भाई कॉमन प्रॉब्लम्स क्या रहती है, माइल्ड सिम्टम्स थकान का रहता है, वीकनेस रहती है, ठीक है। तो ये रिसर्च और ये इंफॉर्मेशन जानने का जो क्यूरियोसिटी साइंटिस्ट लोगों को रहा, उसमें दो मेन रीजन थे कि जो मिडल इनकम कंट्रीज है वहाँ पे वैक्सीन की जो शॉर्टेज हो रही है, हकीकत में वहाँ पे अगर ये शॉर्टेज है वो हम खत्म कर सकते हैं दो अलग अलग वैक्सीन की सप्लाई करके, कि भाई एक डोज है वो एक कंपनी का दे, दूसरा डोज शॉर्टेज हो गई तो दूसरी कंपनी का दे सकते हैं, इसी तरह हम वहाँ पे ये शॉर्टेज खत्म कर सकते हैं। दूसरा कि अगर दो वैक्सीन का डोज साथ में देते हैं तो कोई प्रॉब्लम होता है, कोई सीवियर इफेक्ट होता है, अगर नहीं है तो फिर हम दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो पीडियाट्रिशियन एज वेल एज वायरोलॉजी का प्रोफेसर था मैथ्यू स्नेप, उसने भी बहुत, उसकी टीम ने बहुत अच्छा रिसर्च किया। उसमें 830 वॉलंटियर्स लिए थे और वो सभी वॉलंटियर्स मोर देन 50 ईयर्स की एज के थे और उसमें वो लोगों ने कुछ अलग अलग तरीके से उसको वैक्सीन दिया वॉलंटियर्स को। फिर उसमें ऑब्जर्वेशन किया कि किस तरह का हम ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। तो वो लोगों ने पहले एस्ट्राजेनेका का डोज दिया, फिर बाद में फाइजर का वैक्सीन का डोज दिया सेकंड डोज, और फिर 10% वॉलंटियर्स थे वो लोगों को मिक्स डोज दिया जिसमें कुछ मिक्स था एस्ट्राजेनेका और फाइजर और एस्ट्राजेनेका और बायोएनटेक का। फिर वो लोगों ने देखा कि सेम सिचुएशन रहती है कि वीकनेस, थकान ये सब रहता है, कुछ बहुत सीवियर इफेक्ट नहीं रहता है, माइल्ड इफेक्ट रहता है। बट द थिंग इज कि अगर ये वैक्सीन अलग अलग कंपनी की दी जा रही है, दो डोज अलग अलग कंपनी के है, तो फिर वो क्यों दे सकते हैं, हकीकत में नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय वो लोगों ने बोला है कि भाई यू हैव टू यूज 2 doses ऑफ वैक्सीन फ्रॉम द सेम कंपनी, राइट। सो वी कैन नॉट यूज वैक्सीन डोज फ्रॉम द सेम फ्रॉम द डिफरेंट कंपनीज, राइट। सो उसका मतलब ये हुआ कि हम तभी यूज कर सकेंगे, क्योंकि वैक्सीन जब प्रिपेयर करते हैं तो कोरोना वायरस को ट्रीट करने के लिए, हम उसके साथ फाइट करने के लिए वैक्सीन प्रिपेयर होती है, तो उसके लिए कोरोना का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो स्पाइक्स है वो स्पाइक को टारगेट किया जाता है, क्योंकि एक कंपनी को अलग टारगेट करती है, कोई दूसरी कंपनी दूसरे स्पाइक को टारगेट करती है, तो हर एक वैक्सीन का कुछ ना कुछ मोड ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो हम ऐसी वैक्सीन ले सकते हैं कि जिसका एक मोड ऑफ एक्शन हो, बट अभी तक इतना तो हम बेसिक डिटेल में जाके हम ऐसा स्टडी करके फिर वैक्सीन नहीं लेते, तो हमें हमारी कॉमन गाइडलाइन है वही फॉलो करनी है और वही फॉलो करके हमें वैक्सीनेटेड होना है। हम हमारे नज़दीकी जो भी रिलेटिव उसको भी प्रमोट करेंगे और जैसे हम हमारी सोसाइटी, हमारे फैमिली मेम्बर्स, घर पे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े, वो सबको हम प्रोटेक्ट कर सकें और ये महामारी में हम फाइट कर सकें।
दूसरी मैथ्यू स्नेप का कुछ ऐसा भी मानना है कि अभी जो वो लोगों ने रिसर्च किया 830 वॉलंटियर्स पे, वो लोगों पे अंदर वो लोगों ने साइड इफेक्ट देखा कि भाई कुछ किस तरह का साइड इफेक्ट मिलता है। अभी तक इम्यूनिटी पे कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ है, तो अभी वो लोगों का ये भी मानना है कि फ्यूचर में हम अभी ये वर्क करेंगे कि इम्यूनिटी पे क्या इफेक्ट रहता है, क्योंकि वैक्सीन के बाद इम्यूनाइज आप होते हो ना, वैक्सीनेशन का सिंपल मतलब इम्यूनाइजेशन। तो अगर बॉडी का पर्सन इम्यूनाइज नहीं होता है दैट मीन्स वैक्सीन लेने का कोई मायना नहीं है, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप हेल्थ बॉडी है WHO है ICMR है जो आपको प्रमोट करती है जो वैक्सीन का डोज लेने की, सो हमारे यहाँ पे कोवैक्सीन लेता है कोविशील्ड लेते हैं वही हम प्रीफर करें अभी, फिर आगे कोई नया गाइड लेने आएगा तो नया प्रेफर करेंगे। सो होप यू गेटिंग माई पॉइंट, सो आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम, आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अपने दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। आगे और भी नए वीडियो आएंगे कोरोना के ऊपर, 5 to 6 इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग टाइम वंस अगेन, थैंक यू।